तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन प्री बोर्ड मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसके सॉल्यूशन को। तो फटाफट अपने आंसर मैच कर लो कि आपने कितना राइट किया है और कितना रॉन्ग किया है। सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1, पहला डेफलिंपिक किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका बी ऑप्शन राइट है, 1924, बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, मरम्मत और रख रखाव का कार्य किस पोषक तत्व के द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट है, प्रोटीन, ठीक है ना, डी ऑप्शन राइट है, प्रोटीन। क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक कारक गति निर्धारित करता है? शारीरिक कारक गति निर्धारित करता है, तो विस्फोटक शक्ति ये भी राइट है, तंत्रिका तंत्र की गतिशीलता ये भी राइट है, तो ए और सी, तो कौन सा ऑप्शन दिया गया, डी, इसमें ए और सी दोनों, डी ऑप्शन आपको लगाना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा आसन बैठकर किया जाने वाला आसन नहीं है, मतलब जिसको हम बैठकर नहीं कर सकते, तो शलभासन, ए ऑप्शन, ए राइट है, शलभासन बैठकर नहीं कर सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5, हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक है? तो डी ऑप्शन राइट है, आत्मनियंत्रण, अगर आत्मनियंत्रण होगा तभी हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपको लगाना था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में। अगला क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6, ट्रेडमिल पर दौड़ना किस तरह का व्यायाम है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट है, ए और बी दोनों है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक लीग टूर्नामेंट में टीमों की संख्या 16 है तो कितनी बाई दिए जाएंगे? तो जैसे 16 के हिसाब से अगर हम राउंड निकालेंगे तो 2, फिर 2 भिड़ेगी 4 हो गया, फिर 2 भिड़ेगी 8, अभी भी कम है, फिर 2 16, तो ये टोटल 16, तो बाई की संख्या बराबर क्या होता है, जितने राउंड में टोटल हो रहा है 16 और माइनस टीमों की संख्या कितना है 16, बराबर कितना 0, तो 0 आ रहा आपका, ठीक है ना, तो सी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इस आसन को पहचाने, तो ये सी ऑप्शन राइट है, यहाँ पर मकरासन है, मकरासन, ठीक है, इसमें दृष्टि बाधित के लिए था, निम्नलिखित में से कौन सा आसन खड़े मुद्रा में किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है कट चक्रासन, ये आपका राइट है, ए था, बी भी लिख दिया गया, ए मान लो इसको, ठीक है ना, कट चक्रासन, इसे हम खड़े होकर करते हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए 2 कथन अभिकथन तथा कारण के रूप में है। अभिकथन, तंग कपड़े पहनने से कंधे गोल हो जाने की विकृति हो सकती है, सही है, वाह, गोल कंधे संबंधित विकृति को ठीक करने के लिए प्रत्येक दिन हलासन करना चाहिए, भी सही है, और इसमें मतलब गोल कंधे दोनों में जो बात हो रही है सेम हो रही है, इसकी एक्सप्लेनेशन कर रहा है, ठीक है ना, इसकी एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो यहाँ पर जब दोनों चीज़ें राइट हों, दोनों लाइन मतलब दोनों लाइन राइट हों और दूसरी लाइन पहली लाइन की व्याख्या करें, तो कौन सा ऑप्शन लगाना है हमको, यहाँ पर ए, ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ए, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है, ठीक है, आ और बा दोनों सही हैं, बा आ की व्याख्या सही स्पष्टीकरण कर रहा है या व्याख्या कर रहा है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन नंबर 10, रक्त का थक्का जमने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो रक्त का जो थक्का होता है उसके लिए विटामिन के होती है जिम्मेदार, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है। अगला 11, सिट एंड रीच परीक्षण किसके लिए एक अच्छा उपचारात्मक व्यायाम है? तो ए ऑप्शन लोर्डोसिस, ठीक है, ए ऑप्शन राइट है 11वें में। 12वां क्वेश्चन, पेनल्टी शूट के दौरान गोलकीपर के खड़े होने की मुद्रा कोमा, क्रिकेट के दौरान बल्लेबाज के खड़े होकर खड़े होने की मुद्रा किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर स्थिर संतुलन का उदाहरण है, सी ऑप्शन राइट है स्थिर संतुलन, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आक्रामकता का प्रयोग करना कहलाता है? अगर हमें लक्ष्य की प्राप्ति करना है, ठीक है, तो किस आक्रामकता का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर सहायक होती है, सहायक आक्रामकता, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, डैश को सबसे बड़े प्रशिक्षण चक्र के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट है, माइक्रो चक्र, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 15, यदि एक लीग टूर्नामेंट में टीमों की संख्या 9 है तो कितने मैच खेले जाएंगे? तो फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट में n-1/2, n टीमों की संख्या होती है कितनी है 9, और फिर ब्रैकेट में 9-1/2 बराबर 9, गुणे का निशान 9 में से एक जाएगा 8/2, 2 से कट करो 2 × 2 = 8, 9 को 4 से गुणा करो 9 × 4 = 36, ठीक है, ये आ जाएगा, तो ए ऑप्शन राइट है, ठीक है 36। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें ये मैचिंग करना था, ठीक है, तो यहाँ पर सीधा आंसर देख लो, आपका ए ऑप्शन राइट है इसमें, ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट सेकंड का सेकंड, ये ध्यान में रखना, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, इसमें भी मिलान करना था, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट है, ठीक है, डी ऑप्शन राइट है, फर्स्ट का डी से, ठीक है, फर्स्ट का सेकंड से आएगा, ठीक है ना, और उसके बाद में सेकंड का फर्स्ट से, थर्ड का फोर्थ से, और उसके बाद में फोर्थ का थर्ड से, ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा आसन सामान्य रक्तचाप को बनाए रखने में बहुत सहायक है? डी ऑप्शन सब आसन है, ठीक है ना, तो टोटल ये सेक्शन ए कंप्लीट हुआ, बाकी का सॉल्यूशन डायरेक्ट ऑप्शनल आंसर की मैं प्रोवाइड कर दूंगा शाम को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट में लिंक पेस्ट है, जितने पेपर अभी तक हुए हैं दोनों शिफ्ट की ऑप्शनल आंसर की अपलोड है, फाइनल के लिए तैयार कर सकते हो बिना किसी डाउट के, क्योंकि इस पेपर के मार्क्स तो लग नहीं रहे, बट फाइनल में कोई गलती ना करो, तो आप उसको ऑप्शनल आंसर की से अच्छे से तैयार कर लेना, तो कमेंट चेक कर लो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब आंसर की ऑप्शनल अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।